नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियन टेक न्यूज़। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन टेक न्यूज़ में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे लगातार एक के बाद एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन दे रहा है, अब फिर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन दे दिया है। तो दोस्तों यह वैकेंसी निकली है रेलवे ग्रुप डी में। अब से पहले भी रेलवे ग्रुप डी में 62,907 पदों पर भर्ती दे चुका है और अब फिर से यह भर्ती निकाल दी है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। तो दोस्तों इसमें कितनी वैकेंसी होंगी, कौन सी कैटेगरी को कितनी वैकेंसी होंगी, कौन सी कैटेगरी कितनी फीस रहने वाली है, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा, इस पूरी भर्ती का क्राइटेरिया क्या होगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रेलवे की हमने ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, जिसमें इस भर्ती का पूरी जानकारी दी गई है। हम आपको एक एक जानकारी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपके हासिल में सुना हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारे हमेशा की तरह गुजारिश रहेगी, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन टेक न्यूज़ तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के आइकन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे यह होगा दोस्तों, यदि हम भी भविष्य में सरकारी जॉब से रिलेटेड या अन्य कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप हमारे हर एक न्यूज़ अपडेट रह सकेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी की जानकारी की। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन जो है आपका 23 फरवरी को आ चुका है और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं वो आपके 12/3/2019 से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 12 मार्च 2019 से इसके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो बताएगी आपकी 12 अप्रैल 2019 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी 12 अप्रैल 2019 तक इसको आप भर सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ दिखाया ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, यानी कि आप फीस जो जमा कर सकते हो ऑनलाइन, जो फीस जमा करोगे वो आपकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 23 अप्रैल है, 23 तारीख तक फीस जमा कर सकते हो। और SBI चालान से करोगे तो 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है 18 अप्रैल, और पोस्ट ऑफिस यानी कि ऑफलाइन जो आप फीस जमा करोगे तो उसकी भी 18 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को आप फॉर्म को कब तक फाइनल सबमिशन दे सकते हो, तो आपका है 26/4/2019, ठीक। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बताया गया आपको, हाँ जी, सितंबर अक्टूबर में होना है, यानी इसका टेस्ट जो बताया गया आपको वो टेस्ट होगा आपको सितंबर में या फिर अक्टूबर में आपका टेस्ट हो जाएगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेलवे जॉन वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल रेलवे में टोटल वैकेंसी आपकी 9,345 और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में और 3,564। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, क्योंकि यदि एक कैटेगरी में बताऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा आप देख लें और मैं टोटल बता देता हूँ। और यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे की है, ईस्ट कोस्ट रेलवे की देख सकते हो 2,555 पोस्ट टोटल, और ईस्टर्न रेलवे CLW एंड मेट्रो की है 10,873। और यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NTLW इसमें 4,750। और यहाँ पर देख सकते हो छठे नंबर पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे MCF एंड RDSO, तो इसमें जो है आपकी 4,002 पोस्ट हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो इसमें 5,249 पोस्ट हैं टोटल। और आठवें पर देख सकते हो आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो इसमें आप देख सकते हो 2,894 पोस्ट हैं। और नौवा जो रेलवे जोन है ये है नॉर्थर्न रेलवे DMW एंड RCF, तो इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट हैं वह 13,153। और दसवें यहाँ साउथ सेंट्रल रेलवे, तो इसमें आपकी 9,328 पोस्ट टोटल। और 11वें रेलवे जोन में आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसमें देख सकते हो आप 1,664। और साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपकी 4,914 पोस्ट हैं। और साउथ वेस्टर्न रेलवे NRWF, इसमें जो हैं आपके 7,167 पोस्ट हैं। और आगे बात कर लेते हैं टोटल जोन दे रखे हैं आपको, यहाँ पर 16 रेलवे जोन दे रखे हैं। तो 14वें नंबर पर आपको देख सकते हो साउथर्न रेलवे ICF, ठीक है, तो इसमें टोटल पोस्ट हैं आपकी 1,914। और 15वें जोन पर दे रखी है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 8,804। और 16वें जोन पर दे रखे हैं आपको वेस्टर्न रेलवे, इसमें टोटल पोस्ट जो आपकी 10,734। तो टोटल पोस्ट हो जाती है आपकी यहाँ पर 1,03,769 पोस्ट। ओके दोस्तों, तो ये आपकी टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको रेल एज लिमिट के बारे में बता दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हो एज लिमिट 18 से 33 रहने वाली है, तो आपकी 18 साल से कम ना हो और 33 से ऊपर ना हो, तो ये आपकी एज लिमिट है। अच्छा, एज लिमिट में आपको यहाँ पर कुछ
इम्पोर्टेंट बात बताई गई है किस कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी नॉन प्राइमरी लेयर एचएमसीएल को यहाँ पर 3 ईयर की छूट है, और एससी एसटी के लिए 5 ईयर की 5 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए यूआर के लिए ओबीसी और एससी एसटी के लिए आप देख सकते हो यूआर के लिए 33 और ओबीसी के लिए 36 और एससी एसटी के लिए 38 ईयर की छूट है। और यहाँ पीडब्ल्यू बीडब्ल्यू में जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर यूआर के लिए 10 ईयर की और ओबीसी के लिए 13 ईयर और एससी एसटी के लिए 15 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर अलग बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एज लिमिट छूट दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो पॉज करके, और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दिया गया है, यानी कि 18 से 33 ईयर तो आपकी रहनी रहनी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो आपकी यू आर के लिए 2/7/1986 से पहले करना हो, और ओ बी सी के लिए 2/7/1983 से पहले करना हो, और एस सी एस टी 2/7/1981 से पहले करना हो। और यहाँ पर आपको बता दिया गया कि 1/7/2001 से अपनी एज पूरी कर चुका हो, यानी कि 18 से 33 साल के बीच में हो 1/7/2001 से पहले। ओके, यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ फीस जो बताई गई आपकी 500 रुपये फीस रहने वाली है, और इसमें से आपको जब एग्जाम देखा जाओगे आप तो उसमें से 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आप बैंक अकाउंट में आपकी 400 रुपये वापस आ जाएगी, तो टोटल 500 रुपये फीस जाएगी आपकी। और एस सी एस सी एस टी के लिए और यहाँ जो पी डब्ल्यू बी में फीमेल और ट्रांस ग्रेंटर में एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 250 रुपये फीस जाएगी, और यहाँ पर आपको 250 की 250 पूरी आपकी रिफंड हो जाएगी। सी बी टी एग्जाम जैसे ही आप आओगे तो आपके अकाउंट में 250 रुपये आ जाएंगे, तो ये रिफंड आपको मिलेगा। और यहाँ पर होता है आप फीस जमा कैसे करते हो, ऑनलाइन फ्री पेमेंट थ्रॉट इंटरनेट बैंकिंग कोड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, एसबीआई चालान पेमेंट मोड इन एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई और पोस्ट ऑफिस से चालान कर सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पर आपको सीबीटी एग्जाम के सिलेबस के बारे में बता देते हैं, तो आपका एग्जाम ड्यूरेशन यानी कि एग्जाम टाइम जो होगा आपका 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और सब्जेक्ट जो होंगे आपका जो सिलेबस होगा वो होगा जनरल साइंस में से 25 क्वेश्चन आएंगे, और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि आपको टोटल नंबर होंगे वहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 120 मिनट का पूरा पेपर होगा ये, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस पर आप जरूर गौर। यहाँ पर फिजिकल के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दे रहा है शुड बी एबल टू लेफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, यानी कि यहाँ आपको बताया है 35 किलो वजन लेकर चलना आपको मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ से 100 मीटर तक आपको 35 किलो वजन लेकर चलना है 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 2 मिनट में, और कहीं भी आपको ये वेट डाउन नहीं करना है, कहीं भी बीच में रखना नहीं है और ना ही आपको रुकना है, तो आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया नहीं होता गया, यहाँ पर आपको 20 किलो वजन लेकर चलना और 100 मीटर तक चलना आपको, और 2 मिनट के अंदर ये 2 मिनट के अंदर ये आपको पार करनी है, 100 मीटर की दूरी तय करनी है, और कहीं भी आपको वेट नीचे नहीं रखना, 2 मिनट के अंदर आपको ये पूरी करनी है। तो ये थी फीमेल और मेल के लिए, यहाँ पर मेल कंटेस्ट के लिए रनिंग हो गई जिनकी 1000 मीटर की रनिंग हो गई और 4:15 में पूरी करनी है, और फीमेल के लिए 1000 मीटर की रनिंग हो गई जो कि 5:40 के अंदर पूरी करनी है। तो ये थी रनिंग की बात दोस्तों, यह थी इस वैकेंसी की पूरी डिटेल जो हम आपको बता चुके हैं। यदि दोस्तों अभी भी कोई आपके लिए मन में कोई डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट से जरूर रिप्लाई देंगे। आई होप आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, यदि दोस्तों हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएं, ताकि भविष्य में हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दें जो इस टाइम सरकारी जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।